हेलो। हाँ जी, आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता, बड़ा ही टेस्टी वाला। ये हमने गैस को जलाया और अभी हम बैंगन लेंगे। हमने धोकर साफ करके रखा है इसको, और ये हमारा बैंगन बीच से हम इसको कट करके चेक करते हैं कहीं इसमें कीड़े तो नहीं है। ये हम इसको काट लेंगे और इसको चेक करेंगे। इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं। तो अभी देखिए, ये बिल्कुल क्लीन निकला है, इसमें कोई कीड़े नहीं है। ये देखिए कितना साफ़ है। इसको गैस पे रखेंगे और टमाटर भी रख देंगे साथ में। दो मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे, टमाटर को और बैंगन को। इनको बिल्कुल अच्छे से जब तक ये भुने जाते हैं हम इनको सेकेंगे। और ये लीजिए हमारे टमाटर हो गए, अभी बैंगन भी रेडी है, ये देखिए। और इनको छील लेंगे, बिल्कुल क्लीन कर लेंगे अच्छे से। और अभी ये देखिए, बिल्कुल क्लीन कर लिया हमने, इनके छिलके उतार दिए हैं ऊपर से। अभी हम एक मैशर ले लेंगे और मैशर की हेल्प से हम इनको मैश कर लेंगे। ये हमने दो एक हरी मिर्ची और कुछ लहसुन लिए हैं, इनको मोकली में कोट लेंगे। और फिर इसमें बेसिक मसाले डालेंगे, हल्दी मिर्ची नमक, हल्दी मिर्ची नमक धनिया और किचन किंग मसाला। सभी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे थोड़ा पानी डालकर। ये देखिए, हम पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने कढ़ाई में तेल लिया और इसमें जीरा डाल दिया, ये राई डाली और भी एक लाल मिर्च को हम क्रश करके डालेंगे। प्याज डालेंगे, दो मीडियम साइज के प्याज हैं, और इनको अच्छे से भूनने देंगे। ये हमने हमारे प्याज को भून लिया। अभी हमने जो मसाला मिक्स किया था वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो थोड़ा ढक के पकाएंगे हम इसको ताकि अच्छे से पक जाए। ये हमारा मसाला पक गया है, हम इसमें थोड़े मटर ऐड करेंगे। मटर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बैंगन के भरते का। अभी इसमें मटर ऐड करके इनको पकने देंगे थोड़ा। अभी हमने जो क्रश किया हुआ बैंगन और टमाटर था वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भूनने देंगे। हम इसको जितना भूनेंगे उतना ये टेस्टी बनेगा। इसको ढक के पकाएंगे 10 मिनट के लिए। इधर हमारी रोटियाँ सेक लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया। हमने इसको 10 मिनट पकाया अच्छे से ढककर, और धनिया से गार्निश करेंगे। अब इसको थोड़ा ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए। अब ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा 5 मिनट के बाद, चेक करके देखेंगे। ये देखिए, ये कितना बढ़िया लुकिंग कर रहा है। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। जितना ये देखने में टेस्टी है उतना ये खाने में भी टेस्टी है। आप भी ट्राई करके देखें और बनाएं, कमेंट करके बताएं आपका भी कितना टेस्टी बना है। ओके।